मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। दामाद ने उड़ाए ससुर के लाखों रुपये, ससुर के खाते से ऑनलाइन लाखों रुपये उड़ाने वाला दामाद गिरफ्तार। अंकोला अंबार कोडलत के गंगैया ने अपने SBI खाते से करीब 1,68,200 रुपये निकाले जाने की शिकायत पिछले साल मार्च 7 को अंकोला पुलिस थाने में की थी। पुलिस ने जाँच करके आरोपी दामाद अजय नायक को गिरफ्तार किया तो ससुर गंगैया पर एक और मुसीबत आन पड़ी है। अब बेटी का ख्याल करके आरोपी दामाद की जमानत का इंतजाम भी शायद उनको ही करना पड़ सकता है। होटल की इमारत से गिरकर कार्मिक की मौत। बेंगलुरु के शांतिनगर BMTC बस स्टैंड के स्वाति डिलक्स होटल की 7वीं मंजिल से गिरकर कार्मिक की मौत हुई है। ये घटना कल रात 2 बजे घटी है। ये मामला हत्या है या हादसा या आत्महत्या, इसकी जानकारी नहीं मिली। विल्सन गार्डन पुलिस जांच कर रही है। January 13 को विधान सौधा का घेराव, राज्य रईत संघ का ऐलान। राज्य में आए दिन किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इनकी समस्या का समाधान खोजने और राज्य और केंद्र सरकारें विफल हुई हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए 13 जनवरी को बेंगलुरु में विधान सौधा का घेराव करके एहतजाज करने की जानकारी दावणगिरी में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक राज्य रईत संघ के राज्य अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ने दी। गुड्स टमटम पलटी, 2 हलाक 3 जख्मी। गुड्स टमटम पलटी हो जाने की घटना बीजापुर जिला बागेवाड़ी तालुका के बैरूनी इलाके में घटी है। मुद्दे बिहार से बीजापुर आते समय मामला पेश आया, जिसमें मुद्दे बिहार के टमडडी ग्राम के 65 साल साहेबगौड़ा और 60 साल कोड़प्पा मड़वालकर की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बागेवाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। वेतन रोकने पर बीम्स अस्पताल स्टाफ का आक्रोश, निर्देशक दफ्तर का घेराव। बेलगाम के प्रसिद्ध बीम्स अस्पताल में 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन न देने पर खफा अस्पताल स्टाफ ने अस्पताल के निर्देशक के दफ्तर को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। निर्देशक और जिला सर्जन के बीच चल रहे विवाद की वजह से वेतन को रोका जा रहा है। विज्ञान संस्था के सिबंदियों को 9 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान न किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी प्रदर्शनकारियों ने। रास्तों की मरम्मत न हुई तो लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी। शिमोगा जिला होशनगर तालुका के शांतपुर में ग्रामस्थों ने इलाके के सियासी मुकंडों को धमकी दी कि लोकसभा चुनाव तक गांव के रास्तों की मरम्मत हो जानी चाहिए। करीब 2002 में बनी 2 किलोमीटर की सड़क को ढूंढना पड़ रहा है। गड्ढों से भरे रास्ते में इंसान तो क्या एक साइकिल का भी जाना मुहाल है। शासक अरग ज्ञानेंद्र को निवेदन करने पर कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। फसल बीमा योजना का विरोध, बीमा कंपनियों को फायदा कराने की साजिश। फसल बीमा योजना से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, उल्टे बीमा कंपनियों का फायदा हो रहा है। इसी की तफसील प्रधानमंत्री और केंद्र कृषि मंत्री को दी गई है। इस योजना में परिहार समय पर नहीं मिलता। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन करके सरकार ही किसानों का बीमा भरने का आग्रह करते हुए शिमोगा में प्रेस मीट के जरिए बात की किसान मुकंड बसो राजप्पा ने। कलबुर्गी महानगर पालिका पर उर्दू बोर्ड लगने पर आक्रोश, माहौल गर्म। कलबुर्गी महानगर पालिका पर उर्दू भाषा का बोर्ड लगाने पर कन्नड़ा संगठनों और BJP कारपोरेटरों ने आक्रोश जताते हुए इस काम को करने वालों को फौरन गिरफ्तार करने और सहयोग देने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। माहौल की गर्मी को देखते हुए BJP के कुछ कारपोरेटरों सहित 12 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। मौके पर जिला SP N शशि कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुँचे हैं।
कर्नाटक में सीएम के साथ क्लर्क का सुलूक किया जाता है। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक सभा में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की साझा सरकार है, जहां पर सीएम कुमार स्वामी के साथ एक कलर के साथ किए जाने वाला सुलूक किया जा रहा है। कहा, अपनी सरकार की साधनाओं को गिनवाते हुए कांग्रेस पर वार किया प्रधानमंत्री ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।